है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज गए 8। तो क्या है कि हमने यहाँ पे नाइट कैंपिंग की थी। ये हमारा कैंप लगे हुए हैं 1, 2, 3 और कुछ हमारे गांव के भाई भी थे। वो तो हमने उन्हें फ़ोन किया तो वो आ गए थे हमसे मिलने के लिए। और यहीं पे वो भी हमारे साथ मतलब रुके तो नहीं थे, रात में आए थे 2-3 बजे। तो हमने उनको यहीं पे बुला लिया था। तो हम सब लोग जाएंगे अब दर्शन करने के लिए। जो कि मैं बता दूं, हमने उज्जैन में कहीं पर रुकने की जगह नहीं मिली थी। तो हमारे एक भाई थे यहाँ के, जो पार्षद थे, पता नहीं वार्ड कौन सा उनका, वो यहाँ के पार्षद थे। तो उनसे हमने थोड़ा पूछी तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ। तो उनकी वजह से हमें थोड़ा रात रुकने का वो जो जरिया था वो मिल गया। तो हम यहीं पर सो गए और अब हम निकलते हैं सीधा दर्शन के लिए। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ एंड तक जी। हम हो गए उज्जैन की गलियों में, महाकालेश्वर। तो ये यहाँ की सजावट डेकोरेट किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? कितने का है बालक? बालक कितने का है? कितने का है? अरे दो दे 3 दे रहे बच्चे कैसे चंदन लगाने। तुम इतने कस्टमर देंगे बोले हैं कि पैदल यात्रा ये करेंगे मेरे संग में और कर रहे हैं। और अति सुंदर चंदन लग रहा है, बेजाई बढ़िया लगा रही यार, छोटी है ना। हो गया, चलो भाई धन्यवाद। वाहन पार्किंग है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर। बहुत सारी तो यहाँ पे ना उतारे कृपया। जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है, जूते चप्पल स्टैंड पे जूते चप्पल उतारे भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मजबूत पकड़ना, ढक्कन देने ना। अभी बंगिया पिलाएंगे तुमको, बंगिया। आदमी चल के क्या हो रहा है? जय जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर बोले। कॉरिडोर का लगे ना तो पूरा नहीं करे दादा फोन रख लो। हाँ भैया आओ आओ भैया, ये मेन गेट है यहाँ का। आगे चलो आगे। बहुत जाने हम बाहर निकल गए हैं, ये मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और अब ये सारी जनता बाजार रही है और हम भी निकल रहे हैं। वे खाना खा रहे थे भाई, तो मैं क्या रहा हूँ तो भाई इंदौर महानगरी उज्जैन के अंदर एक जे और एक कुछ यादगार जो भारत के लिए इनका बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी योगदान रहा है। किसी ने बलिदान दिया है तो किसी ने कलम की दम पे भारत का उज्ज्वल भविष्य तय किया है। तो उन सब महान वीर योद्धाओं की यहाँ पे स्टैचू रखी हुई हैं और ये अपने इंडिया का नक्शा है। तो